नमस्कार किसान साथियों, आज हम आप 7.5 HP की पावर वीडर की फिटिंग के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी कैसे ये फिट होता है। ये ऐसे पेटी में आता है एक, और ऐसे इसका सामान होता है। पहले सबसे पहले आपने ये सभी सामान को बाहर निकाल लेना है जी, और उसके बाद आपको फिट करना, वीडियो में बताते हैं आगे। देखो भाइयों, हमने अभी बॉक्स से मशीन निकाल ली है। इसके साथ आपको मैं दिखाता हूँ अभी सामान क्या क्या निकला है। ये इसके टायर निकले हैं। अगर आपने मोटे टायर लिए होंगे तो मोटे टायर निकलेंगे, ठीक है, और अगर आपने पतले लिए होंगे तो पतले निकलेंगे, ठीक है। और उसके साथ ये सामान निकला है सभी। देखो ये लाइट होगी इसकी, और ये और इसके मडगार्ड हो गए, टूल बॉक्स हो गया, इसका फ्रंट व्हील हो गया आगे का, ठीक है। और ये होगी इसकी हैंडल नेक होगी, और ये तवियां शाफ्टें और ब्लेड होगी, और नट बोल्ट हो गए इसकी, और ये इसकी डेही होगी जो पीछे लगती है, और इसका टूल बॉक्स टूल किट होगी इसकी। इसके साथ ये पत्तियाँ हो गई, हैंडल कवर हो गया, हैंडल लॉक हो गया, और ये एक्सल हो गई जी इसकी, ठीक है। ये सभी सामान इसके साथ निकला है, ठीक है। अभी आपको बताते हैं भी सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले हम ये इसके टायरों में इसके एक्सल डालेंगे, इस मशीन को सीधा खड़ा करेंगे, ठीक है। देखो भैया, जब आपने ये टायर कसने हैं ना, तब आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी जो टूटी है ना हवा वाली, ये बाहर बाहरी साइड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कसे जाएंगी, ये गुल्ला ऐसे डलेगा, इसके 4 नट बोल्ट लगेंगे, ठीक है। बाहर ऐसे ही हमने दोनों दोनों टायर कस लेनी है। अभी हमारे टायर के एक्सल कस चुके हैं जी, ठीक है। अभी हम इसमें डालेंगे टायर। देखो जब टायर डालने हैं तो इसकी गुड्डी को ऐसे ध्यान रखना है, देखो आगे को होना चाहिए, ठीक है। और इसमें डालेंगे इस चीज़ में। अभी हमने टायर इसके डाल ली हैं, ठीक है, मशीन को सीधा खड़ा कर लिया है, ठीक है। अभी उसके बाद करना क्या है, उसके बाद ये जो इसकी होती है ना हैंडल नेक होता है, इसको हमने अभी इसके ऊपर ये 4 नट लगे हुए हैं, इसके ऊपर लगाना है, ठीक है, इसके ऊपर लगाना है। अब इसके जो 4 नट दिए गए हैं इसको खोलो पहले, ठीक है, इसको हम खोलेंगे। अभी हमने फिर ऐसे 4 नट लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे इसके नीचे नट कस देना है, ठीक है। सभी 4 ही नट, जैसे 4 ही नट है हमारे पास, ये ऐसे लगा लेना है, ठीक है। और इसको कसकर इसके नट को लगाकर और इसको टाइट कर देना है, ठीक है। देखो हमारी हैंडल नक लग चुकी है, 4 ही नट फुल टाइट हो चुके हैं। अभी हमने इसका हैंडल लगाना है, ठीक है, और ये हैंडल ऐसे लगेगा, ठीक है। देखो ऐसे ये हैंडल लगे, और इसका ये नट होता है, हैंडल लॉक बोलते हैं इसको। इसकी 2 बात लें ये बाहर निकाल कर, ठीक है, इस साइड हमने डालना है जी, इस साइड को नट को डाल देना है, इस 2 बासले बाहर निकाल देनी है, ठीक है। ऐसे इसके बीच पूरा डाल जाएगा, और इसके इधर ही साइड हमने बासले डाल देनी है। ऐसे ही हमने नट टाइट कर लेना है, ठीक है। और अपने हिसाब से आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको ऊंचा करना है ऊंचा हो जाएगा, डाउन करना है डाउन भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये लग जाएगा। अभी हम इसका आगे वाला फ्रंट व्हील लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा इसका फ्रंट व्हील आगे वाला जी। देखो ये दोनों वाले, इन दोनों वाले नट को हमें ऐसे खोल लेना है, ठीक है, ऐसे खोल लेना है। इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्हील लगेगा, पीछे की साइड इसका नट लग जाएगा, बोल्ट लगेगा, और आगे की साइड ये पिन लग जाएगी, ठीक है। देखो दूसरी साइड ऐसे लगेगा, और पीछे हमने ये डेही लगानी है, ठीक है, ये वाली। पहले हमने ये 3 निकाली है, यहाँ पर ये डेही डल जाएगी, ठीक है, इसमें पिन डल जाएगी बड़ी वाली, ऐसे ये 3 ही पिन ऐसे डल जाएगी,
ठीक है। ये लगाने के बाद इसके बीच में ये इसकी घंटी लग जाएगी, ठीक है। इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ये वाली डंडी लग जाएगी, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो आप ऐसे। इसके बाद हमने ये लगानी है गियर वाली राड, ठीक है, इसको यहाँ पर लगेगी ये हैंडल के ऊपर। इसको बीच वाली गली में डाल देना है, ठीक है, पिन डालकर लगा देना है। पढ़ने शुरू हो जाएगी इस तरह से, हमने पिन डाल लेनी है इसकी, देखो। और उसके बाद ये इसका टूल बॉक्स है, इसको हमने लगा देना है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। ये इसके यहाँ पर इसके चार नट लगेंगे इस साइड, इन नटों को इसके ऊपर लगा देना है। चारों नटों को लगा देना है, ठीक है। ये वाले चार नट लगेंगे, ठीक है, इसके ऊपर। अभी हमने ये वाली पत्तियां लगानी है इसकी, मडगार्ड की पत्तियां लगानी है, ठीक है। हमने करना क्या है, ये नट खोलना है, जो इंजन के पीछे वाला नट है ना, तो पीछे वाला खोलना है, ठीक है, आगे वाला नहीं खोलना, पीछे वाला नट खोलना है। ऐसे ये नट खोल लेना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने पहले दूसरी साइड नट खोल कर वो पत्ती लगाई थी ना, ऐसे ही हमने दूसरी इस साइड भी वैसा ही करना है। जो दूसरी वाली पत्ती है वो भी तीसरे नट के पास लगेगी यहाँ पर। इसको हम चाबी पाने की सहायता से इसको खोल सकते हैं। मडगार्ड की ये दूसरी पत्ती लगानी है, पीछे वाली है, हमने यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। इसमें दो नट लगेंगे, देखो ये वाले 17 नंबर के दो नट लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर। इसके पीछे नट लगा कर नीचे इन नट को टाइट कर देना है। हमारी मडगार्ड की पत्तियां लग चुकी हैं, ठीक है, ये दोनों पत्ती इस साइड भी लग चुकी हैं और दूसरी साइड भी लग चुकी हैं पत्तियां, ठीक है। अभी हमने इसके मडगार्ड लगाने हैं, ऐसे इसके मडगार्ड लगेंगे। इसमें चार नट बोल्ट लगेंगे, दो आगे लगेंगे और दो लगेंगे पीछे, पीछे की साइड हमने छोटे वाले नट बोल्ट लगा देने हैं, ठीक है। ये वाले छोटे छोटे नट बोल्ट इसमें लगेंगे जी, आप इसे फिट करके जहाँ पर इसकी फिटिंग आती है वहाँ पर इसके नट डालकर इसको टाइट कर दो। हमारे ऐसे चार नट लग चुके हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है थोड़ा सा ना, पत्ती को आगे कर लेना अगर नट कसने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। ऐसे भी चार चार नट दो हैं इसके, ठीक है। अभी इन नटों को टाइट कर लो ना। ये हमने गियर राड लगानी है, ये काली वाली होती है जो राड होती है, ठीक है। इसको जो छोटा पिंड है वो आगे रहेगा, ठीक है। इसमें हमने आर पिन डाल देनी है, ऐसे हमने गियर राड लगा देनी है, देखो, ठीक है। इसको पीछे से ऐसे डाल देनी है।
ठीक है। अभी हमारा हैंडल के ऊपर सामान कंप्लीट हो चुका है, इसके मैं गार्ड भी लग चुके हैं। अभी इसका लाइट रह चुकी है, लाइट आपको लाइट के बारे में बताते हैं भी लाइट कैसे लगेगी। देखो गियर लीवर के ऊपर ये वाला मुट्ठा लगेगा, ये ऐसे लगा देना है, ठीक है। इसके पीछे बीच ये पीछे नट लगेगा, इसको आप पेचकस की मदद से टाइट कर सकते हो, ठीक है। यह बस अकेली इसकी लाइट लगानी रह चुकी है। लाइट में देखो क्या होता है, लाइट में ये पत्तियां साथ में आती हैं, ठीक है, जो एक लाइट आती है, ठीक है। अभी हमने करना क्या है, ये दो नट लगे होंगे, ये दो नट लगे होंगे, ठीक है। पहले इसको खोल लेना है, ये दो नट खोल लेना है, ठीक है, पाने की सहायता से ये दो नट खोल लेने हैं। ये दो नट खोल चुके हैं अभी, ठीक है। अभी हमने ये दो पत्तियाँ ले लेनी है, ठीक है, दो पत्तियों को ऐसे लगा देना, ठीक है, ऐसे लगा देना। इसका बैंड का पास अंदर की साइड करना, और ये दूसरी ये वाली पत्ती को अभी हमने देखो ये दो नट दिए गए हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला नट है, ठीक है। अभी इन दोनों को खोल लेना है और इसकी जगह पर ये पत्ती ऐसे लगा देनी है, ऐसे लगा देनी है ये वाली पत्ती, ठीक है। पत्ती में ये नट लगा देने हैं दो, दोनों साइड, ठीक है, पत्ती लगाकर। और उसके बाद लाइट को ऊपर डाल लेना है और जो ढक्कन खोल लेना है पेट्रोल वाला, ऐसे पत्ती हमने पहले लगाई थी जो, उसके पीछे ये वाली पत्ती लगा देनी है, ये वाली पत्ती बीच में रख लेनी है, और जो आपको मैंने छोटी सी दिखाई थी वो इसके पीछे, दोनों के पीछे रख लेनी है और ये नट को टाइट कर देना है, ठीक है। इसका आप देख कर लेना है, उसके बाद इसको टाइट कर लेना, ठीक है। अभी हमारा पावर बीडर कंप्लीट फिट हो चुका है जी। देखो इसका हमने टायर भी लगा दिया, लाइट भी लग चुकी है, मड गार्ड भी लग चुके हैं, और हैंडल, और इसका टूल बॉक्स, गियर आर्ड, ठीक है, और ये इसका क्लच लगा हुआ है, इसके रेस लीवर है, ठीक है। अब इसको जब स्टार्ट करना है तब इसके गियर बॉक्स में 1.5 लीटर गियर ऑयल डाल देना है 90 नंबर, ठीक है। और इसके इंजन में यहाँ से मोगला डलेगा 20-40, वो डलेगा इसमें 600 ml, ठीक है। और इसमें पेट्रोल डलेगा, पेट्रोल के साथ कुछ नहीं डालना, खाली पेट्रोल ही डलेगा। जब स्टार्ट करना है तब स्विच ऑन कर लेनी है इसकी, ठीक है। और ये इसकी चोक है, ठीक है, और ये इसकी तेल ऑन ऑफ वाली स्विच है। जब स्टार्ट करना है चोक लगा लेना है इस तरफ और फिर रस्सी खींचना है, रस्सी खींच कर जब स्टार्ट हो जाएगा तब आपने चोक इसकी बंद कर देनी है। ये